नगरपालिका के वार्ड नंबर 17 से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी छाया जायसवाल के चुनावी कार्यालय का धूमधाम से शुभारंभ किया गया। इस दौरान भाजपा के विधायक सहित वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। देखिए खबर। रही हूँ और मैंने सारे विकास कार्य किए नगर पालिका से, जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वार्ड में, नल, पानी, बिजली, यहाँ तक कि नालियाँ, नल की बहुत समस्या थी उनको भी मैंने पूरा किया है। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पट्टे, सारी सुविधाएं दिए राज्य की, केंद्र की, जो भी लाभ होने चाहिए थे वो मैंने दिए। आवास की योजनाओं का लाभ दिया है, सारे शत प्रतिशत मैंने कार्य किए हैं और उनका आशीर्वाद मुझे बराबर मिल रहा है, मिलता रहा है और मैं भी उनके लिए सतत प्रयासशील हूँ कि उनके लिए कार्य करूँ। और मैं पार्षद बनी हूँ और अब आगे अगर मैं आई हूँ यहाँ पार्षद के लिए तो मैं यही सोच के आई हूँ कि मैं विकास के सारे कार्य करूँगी और बराबर सतत प्रयत्नशील रहूँगी, सक्रिय रहूँगी और उनके एक वोट का पूरा कर्ज अदा करूँगी। जय हिंद, जय भारत। मैं छाया जायसवाल जी के वार्ड के कार्यालय का शुभारंभ सोचता था और हम विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पहुँचकर और हमने वार्ड वासियों से अपील की है कि बहन छाया जायसवाल पूर्व में भी पार्षद रही है, अनुभवी पार्षद है और इसको अपना आशीर्वाद देकर 6 तारीख के दिन कमल वाला बटन दबाकर और इनको आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब भी हमारे नीमच नगरपालिका के 40 वार्डों को आशीर्वाद देने के लिए पधारने वाले हैं। तो निश्चित ही नीमच में जो काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, सांसद सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में जो नगर का विकास हुआ है, उस नगर में नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन जी का और पूर्व के पार्षदों का सबका बहुत बड़ा योगदान है। हम भोपाल से और केंद्र से पैसा लाते थे, नीमच में खर्च करते थे। आज नीमच में हमने मेडिकल कॉलेज जैसी उपलब्धि हासिल हुई है और उसका काम अभी चालू हुआ है। निश्चित ही एक हेलीपैड पे हमने अभी बच्चों के लिए पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किया है तो यहाँ बच्चे के, यहाँ के बेटा बेटी पायलट बनकर वो देश में सेवा करने का काम करेंगे। 200 करोड़ की मंडी बनी है। नीमच में एक बघाने का बाईपास स्वीकृत हुआ है, एक बहन छाया जी के वार्ड में इधर हिंगोरिया के यहाँ भी एक बाईपास स्वीकृत हुआ है, दोनों बजट में हो गए हैं, सर्वे हो गया, उनके काम भी चालू होंगे। नीमच में हमने अच्छी सुंदर सड़कें बनाई है, बस स्टैंड का विकास किया है, यहाँ बाग बगीचों को सुंदर करने का काम किया है, पीने के पानी की व्यवस्था कुमान सिंह शिवाजी ठीकरिया डैम बनाकर और हरक्याखाल में हमने पानी पहुँचाया, हरक्याखाल का पानी नीमच में आ रहा है और प्रतिदिन नीमच की जनता को पानी मिल रहा है।